हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ईआईजीआरपी में इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग की एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग की। राइट, इक्वल कॉस्ट एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियोस जो चैनल पे प्रेजेंट है वो ईआईजीआरपी के सक्सेसर, फिजिकल सक्सेसर, एफडी, एडी, क्वेरी पैकेट, रिप्लाई पैकेट, अपडेट, हेलो, नेबरशिप स्टेट्स, इन सभी के बारे में प्रॉपर वीडियोस थे भी विद लैब प्रेजेंटेड चैनल पे। तो अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ईआईजीआरपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है। राइट, ओके, बट इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग तो सारे सपोर्ट करते हैं। लाइक आप आईजीपी प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे तो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग तो सभी सपोर्ट करते हैं, बट ईआईजीआरपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग ये बात करेंगे कि किस तरीके से ईआईजीआरपी अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट कर रहा है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने अभी एक टोपोलॉजी क्रिएट किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जो मैंने इसी टोपोलॉजी पे आपको सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर, क्वेरी पैकेट, रिप्लाई पैकेट के बारे में बताया हुआ है। राइट, तो इट मींस आपके लिए ये जो टोपोलॉजी है ये इजी होगा समझना इसी टोपोलॉजी के अंदर। ओके, तो इस टोपोलॉजी में जो मेरा आर वन राउटर है वो आर फाइव के साथ कनेक्ट है, टू के साथ कनेक्ट है, सिक्स के साथ कनेक्ट है। और आपको पता होना चाहिए अगर प्रीवियसली वीडियोस के साथ आप मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि जो ये पाथ है 10.10.4.0 ये सक्सेसर है इस नेटवर्क तक जाने के लिए, 192.168.10.0 के नेटवर्क तक जाने के लिए आर वन इस पाथ को एज सक्सेसर क्रिएट किया हुआ है आर वन ने। राइट, ओके, अब आर वन राउटर की अगर बात करें तो मैं यहां पे दो टेबल्स बना रहा हूं। मैं एक बॉक्स मैंने इसलिए बनाया कि ये आपका टोपोलॉजी टेबल है। राइट, और दूसरा मैं बना रहा हूं राउटिंग टेबल। आपको समझने में ये इजी होगा टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल के मैंने दो ब्लॉक्स बनाए हुए। राइट, अगर मैं अभी R1 राउटर पे बात करूं मैं तो 100 IP EIGRP टोपोलॉजी करूंगा। आप ये टोपोलॉजी जब राउटिंग इनेबल कर देंगे, EIGRP इनेबल कर देंगे तो R1 पे 100 IP EIGRP टोपोलॉजी करेंगे तो R1 राउटर पे आपको ये दिखेगा कि 192.168.10.0/24 नेटवर्क पे जाने के लिए ये सक्सेसर प्रेजेंट है। राइट, ये सक्सेसर प्रेजेंट है, मतलब सिंगल सक्सेसर की, वन सक्सेसर की इंफॉर्मेशन ऐड होगी। ओके, लेकिन आप लोड बैलेंसिंग अगर करेंगे तो लोड बैलेंसिंग के लिए आपको दो लिंक चाहिए, बट टोपोलॉजी टेबल में आपका केवल सिंगल लिंक शो कर रहा है, मतलब ये सक्सेसर वाला जो पाथ है वो आपके टोपोलॉजी टेबल में है। लेकिन अगर आप इसी राउटर पे ऑल लिंक की कमांड चलाएंगे तो आप देखेंगे कि R1 के पास R2 एंड R5 दोनों से अपडेट आ रहा है, बट R2 वाले पाथ को R1 ने अपनी टोपोलॉजी टेबल में ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ये वाला R2 वाला पाथ था ये फिजिबल कंडीशन को मैच नहीं करता है, मींस ये लूप फ्री पाथ नहीं है, इस वजह से इस वाले पाथ को टोपोलॉजी टेबल में ऐड नहीं किया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस पाथ को टोपोलॉजी टेबल में ऐड कराना होगा क्योंकि हमें दो पाथ चाहिए लोड बैलेंसिंग के लिए, इक्वल अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के लिए या अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के लिए। राइट, दोनों के लिए दो पाथ तो चाहिए। ओके, तो फर्स्ट थिंग आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो ये है, फर्स्ट प्रेफरेंस ये देना है कि भाई ये वाला पाथ टोपोलॉजी टेबल में ऐड हो जाए, जो दूसरा वाला पाथ है। तो ये पाथ टोपोलॉजी टेबल में ऐड तभी होगा जब फिजिबल कंडीशन मैच करेगी, और फिजिबल कंडीशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, जो सक्सेसर है, मींस सक्सेसर का जो एफडी है, ध्यान से समझ लिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मैंने, जो सक्सेसर का एफडी है वो जो पॉसिबल पाथ है, जो अदर पाथ है, पॉसिबल पाथ है, सेकंड पाथ है, ये वाले पाथ की मैं बात कर रहा हूं, इसका जो एडी है, इसका जो एडी है एफडी से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। राइट, तो अगर ये वाला पाथ इस टोपोलॉजी टेबल में शो नहीं कर रहा है, इट मींस इसकी जो एडी है, मींस एडवर्टाइज डिस्टेंस है, वो ज्यादा होगी कंपेयर टू एफडी ऑफ सक्सेसर।
ओके तो पहला सीधा सा काम करना है आपको कि फिजिकल कंडीशन मैच करा लेते हैं। तो फिजिकल कंडीशन मैच कराने का तरीका क्या है, ठीक है, आप अगर मैट्रिक यूज कर रहे हो तो मैट्रिक इंक्रीज करो या फिर डिले कर लो, लेकिन मैट्रिक करोगे तो वो लिस्ट मैट्रिक को सेलेक्ट कर लेगा, राइट। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मैं डिले इंक्रीज कर देता हूं तो क्या हो जाएगी, एफडी बढ़ जाएगा, डिले तो प्लस होता है ना, तो डिले इंक्रीज करेंगे तो एफडी बढ़ जाएगा। तो मैं डिले को इंक्रीज करके एफडी को इंक्रीज कर लूंगा, जैसे ही एफडी ज्यादा हो जाएगी और जो दूसरा वाला पाथ था ये वाला पाथ, ये फिजिबल कंडीशन को मैच करा लेगा। फिजिबल कंडीशन मैच होते ही मतलब डिले आपको क्या करना है, इंटरफेस पे डिले चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं मान के चलता हूं सपोज ये वाला जो इंटरफेस है, नहीं सॉरी ये सक्सेसर है ना, इस वक्त इसकी बात कर रहे हैं, सपोज ये इंटरफेस आपका एफ ए 0/0 है, ध्यान से समझिएगा। तो सिंपल डिले की कमांड है, आप इंटरफेस पे आइए, इंटरफेस एफ ए 0/0 और यहां पे कमांड लिखिए डिले और डिले दे दीजिए, डिले 10 के मल्टीप्लाई में आएगा। तो अगर अभी इधर डिले क्या था, इधर डिले होगा 100 माइक्रोसेकंड, राइट, 100 माइक्रोसेकंड होगा, इसको आप कर दीजिए यहां पे 120 कर दीजिए, राइट, 120 तो नहीं कर सकते, 12 करना पड़ेगा क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 टेन जाएगा 120 हो जाएगा। अभी क्या है 100 है, वैसे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, मतलब आपको डिले इंक्रीज करना है। जैसे ही डिले आप इंक्रीज करोगे आपको दिखेगा जो एफडी है सक्सेसर की एफडी वो इंक्रीज कर जाएगी, और जब सक्सेसर की एफडी ज्यादा हो जाएगी और इसकी एडी कम हो जाएगी तो ये वाला पाथ उठ के कहां जाएगा, टोपोलॉजी टेबल में। तो अब टोपोलॉजी टेबल के अंदर दो पाथ शो कर रहा है, एक आपका शो कर रहा है ये फर्स्ट इसके थ्रू वाया आर फाइव के थ्रू और दूसरा शो कर रहा है आर टू के थ्रू, राइट। तो आपको समझ में ये बात आनी चाहिए कि टोपोलॉजी टेबल में वाया आर फाइव एंड वाया आर टू ये दोनों पाथ प्रेजेंट है, लेकिन जो वाया आर फाइव था ये सक्सेसर है, जो दूसरा पाथ अभी टोपोलॉजी टेबल में ऐड हुआ है वो फिजिबल सक्सेसर है, फिजिबल सक्सेसर। ठीक है, फिजिबल सक्सेसर है, ध्यान से समझिएगा, दूसरा पाथ जो ऐड किया वो आपने क्या है, फिजिबल सक्सेसर है। तो अब आपको टोपोलॉजी टेबल में दो पाथ दिख रहे हैं, राइट, दो पाथ दिख रहे हैं, ठीक है, टोपोलॉजी टेबल में दो पाथ है, बट आप 100 IP रूट करेंगे तो राउटिंग टेबल में आपको केवल और केवल 192.168.10 तक जाने के लिए वाया आर फाइव वाला जो पाथ है वही शो करेगा। तो जो भी लोड बैलेंसिंग होगी उसके लिए राउटिंग टेबल के अंदर दो पाथ होने चाहिए ना, टोपोलॉजी टेबल में दो पाथ से लोड बैलेंसिंग तो हो नहीं जाएगी। इट मींस जो दूसरा वाला फिजिबल सक्सेसर है उसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, सक्सेसर। जब दूसरा वाला पाथ सक्सेसर बनेगा तभी दूसरा वाला पाथ राउटिंग टेबल में ऐड होगा। जब यही दोनों पाथ मींस आर फाइव और आर टू दोनों ही पाथ राउटिंग टेबल में ऐड हो जाएंगे तभी आपका अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट अलग है, इसकी कॉस्ट अलग है, दोनों पाथ की कॉस्ट अलग है। आप सो आईपी आईजीआरपी टोपोलॉजी करें, यहीं पे जाके दोनों की एफडी चेक कर लीजिए, देखिए सक्सेसर की एफडी क्या है और फिजिबल सक्सेसर की एफडी क्या है, उसमें से देखेंगे दोनों की जो कॉस्ट है जो मैट्रिक है वो अलग अलग है, राइट। और मैं ये कह रहा हूं कि दोनों की मैट्रिक अलग होने के बाद भी मुझे ये दूसरा वाला जो फिजिबल सक्सेसर है इसको भी राउटिंग टेबल में ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, तो EIGRP में एक फीचर है वेरिएंस का, राइट, EIGRP में एक फीचर है आपका वेरिएंस का। अगर हम वेरिएंस चेंज कर देते हैं तो ये दूसरा वाला जो फिजिबल सक्सेसर वाला पाथ था ये राउटिंग टेबल में ऐड हो जाएगा, मतलब अब दो सक्सेसर बन जाएंगे। तो वेरिएंस चेंज करने से दो सक्सेसर कैसे बन जाएंगे इस बात को समझ लेते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट राउटर पे जो वेरिएंस सेट होता है वो वन होता है, डिफॉल्ट वेरिएंस वन होता है, ओके। और जो भी वेरिएंस होता है, जो भी सक्सेसर बनता है, सपोज सक्सेसर ये है जो ये वाला पाथ है वाया आर फाइव, तो जब सक्सेसर जो है वो सक्सेसर का जो एफडी है, ध्यान से समझिएगा, सक्सेसर का जो एफडी है उससे वेरिएंस मल्टीप्लाई होता है। मान लेते हैं सक्सेसर का एफडी 100 है, मान लेते हैं सक्सेसर का एफडी 100 मल्टीप्लाई बाय 1
तो ये 100 हो गया। ओके, आप इधर देख लेते हैं, जो फिजिबल सक्सेसर है उसका एफडी मान लेते हैं 120 है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है। क्या देखिए, मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं, इस तरीके से, क्योंकि आपको इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अभी दोनों पाथ टोपोलॉजी टेबल में प्रेजेंट है, राइट, मींस टोपोलॉजी टेबल के अंदर दोनों पाथ आ चुके हैं, और मैं लिख रहा हूं कि जो सक्सेसर है जो सक्सेसर का एफडी है, मैं सपोज कर लेता हूं, मान लेता हूं कि जो सक्सेसर का एफडी है वो 100 है, और जो फिजिबल सक्सेसर का एफडी है वो 120, राइट। फिजिबल सक्सेसर का एफडी 120 है और सक्सेसर का एफडी 100 है, और इसने फिजिबल कंडीशन मैच कराई होगी। इसका मतलब ये है कि जो इधर आपका फिजिबल सक्सेसर का एडी है वो क्या होगा, सक्सेसर के एफडी से लेस होगा। तो ये कंडीशन आपने डिले चेंज करके कर ली थी कि सक्सेसर के एफडी को बढ़ा दिया था, तो ये एडी कम हो गया, तो कंडीशन मैच हो गई, ये वाला पाथ उठा के राउटिंग टेबल में, टोपोलॉजी टेबल में ऐड हो गया। ओके, अब हम वेरियंस चेंज करने वाले। वेरियंस क्या है, 1। तो 1 की अगर बात करें तो 100 मल्टीप्लाई 1 बाय डिफॉल्ट तो 1 होता है, तो मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो ये क्या आ रहा, 100, राइट। अभी भी जो फिजिबल सक्सेसर है उसकी एफडी क्या है, 120। ध्यान ये रखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेन, कि ये फिजिबल सक्सेसर वाला जो पाथ है ये राउटिंग टेबल में तभी आएगा जब इसकी एफडी सक्सेसर की एफडी से लेस होगी। अभी एफडी क्या है, 120, और अगर सक्सेसर की एफडी से ज्यादा है इसलिए ये वाला पाथ कहां नहीं आ रहा, राउटिंग टेबल में नहीं आ रहा। इसको हमें क्या करना है, फिजिबल सक्सेसर जो बना है उसकी एफडी को लेस कर देना है सक्सेसर की एफडी से। तो मैंने सक्सेसर की एफडी को बढ़ाने के लिए वेरियंस क्या कर दिया, 2। वेरियंस क्या कर दिया, 2। वेरियंस सिंपल है, इंटरफेस आप जाइए राउटर EIGRP 100, जो भी आपने एस नंबर दे रखा है वेरियंस, और इधर 2 कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, वेरियंस चेंज हो गया। जब आप वेरियंस चेंज कर देंगे तो वेरियंस चेंज करते ही सक्सेसर की एफडी क्या हो गई, 200, और जैसे ही सक्सेसर की एफडी ज्यादा हो गई तो ये जो दूसरा वाला है, ध्यान ये रखना है, इसका इफेक्ट आपको टोपोलॉजी टेबल में नहीं दिखेगा। मतलब आप सोचे कि वेरियंस बढ़ाया और हमें एफडी दिख जाए 200 हो गई, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इसका इफेक्ट आपको टोपोलॉजी टेबल में व्यू नहीं होगा, ध्यान से रखना है। इसका इफेक्ट तब पड़ता है जब टोपोलॉजी टेबल से बेस्ट राउट की इंफॉर्मेशन कॉपी होके कहां आएगी, राउटिंग टेबल में। तो आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट आपको यह दिख जाएगा कि सक्सेसर अभी सिंगल था, अब क्या बन गए, दोनों सक्सेसर। जैसे ही आप वेरियंस चेंज करोगे मीन सक्सेसर की एफडी ज्यादा हो जाएगी फिजिबल सक्सेसर की एफडी से, तुरंत क्या हो जाएगा, ये जो दूसरा वाला पाथ था फिजिबल सक्सेसर था वो भी सक्सेसर बन जाएगा, मीन दोनों पाथ क्या बन गए, सक्सेसर, और दोनों ही आ जाएंगे राउटिंग टेबल में, राइट। और दोनों पाथ शो करने लगेंगे राउटिंग टेबल में। अब देखिए, दोनों ही पाथ राउटिंग टेबल में आ गए, और दोनों की जो मैट्रिक होगी आप चेक करेंगे, दोनों की मैट्रिक अनइक्वल है, इक्वल मैट्रिक नहीं है, फिर भी दोनों राउटिंग टेबल में प्रेजेंट हैं। इसका मतलब यह है कि अनइक्वल मैट्रिक होने के बाद भी दोनों पाथ राउटिंग टेबल में प्रेजेंट हैं, इट मींस अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म हो रही है, क्लियर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मीनिंग क्या है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग आप कैसे परफॉर्म करोगे, राइट। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग अगर करना है, इसका मतलब यह है कि आपको जो मैट्रिक है वो क्या कर देनी, इक्वल कर देनी। अगर आप मैट्रिक इक्वल करोगे तो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। इक्वल मैट्रिक कैसे करोगे, देखिए जो मैट्रिक में डिफरेंस है, अगर आप ऐसे समझिए, मैं इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग की अगर बात करूं तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूं, इसी जगह पे मैं आपको ये बता सकता हूं, देखिए
आप ये बात समझें, R1 आउटर की टोपोलॉजी टेबल है, इस टोपोलॉजी टेबल में सक्सेसर वाला पाथ शो कर रहा है कि 192.168.10.0/24 तक जाने के लिए वाया R5 जाएंगे, ये पाथ टोपोलॉजी टेबल में प्रेजेंट है। सेम थिंग मैं इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग दूसरे वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, अनइक्वल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं राउटिंग टेबल की बात कर लेता हूं, तो राउटिंग टेबल की अगर हम लोग बात करें तो इधर आपका सिंगल सक्सेसर है तो यही पाथ इधर आ जाएगा राउटिंग टेबल में 192.168.10.0/24 और वाया R5 जो सक्सेसर है उसकी इंफॉर्मेशन टोपोलॉजी टेबल से बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अभी यहां पे कम से मिनिमम दो पाथ होने चाहिए, तो दो पाथ के लिए आपने क्या किया, फिजिबल कंडीशन मैच करा दी। फिजिबल कंडीशन जैसे ही आपने मैच कराई डिले चेंज करके, तो ये जो दूसरा वाला पाथ था वाया R2, ये R2 से पाथ था ना वाया R2, ये भी आपका कहां इंस्टॉल हो गया, टोपोलॉजी टेबल में शो करने लगा, राइट। तो जैसे फिजिबल कंडीशन मैच हुई, फिजिबल कंडीशन मैच करना आपको आता है, अभी बताया था मैंने, ठीक है, तो उसके बाद ये भी आपका आ गया टोपोलॉजी टेबल में। अब टोपोलॉजी टेबल के अंदर आ गया, आने के बाद आर्क जो ये वाला सक्सेसर वाला पाथ था, जो सक्सेसर था इसकी FD थी 100 और जो फिजिबल सक्सेसर था इसकी FD थी 120, राइट। तो अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल ये काम करना है कि दोनों की FD को इक्वल कर देना। तो दोनों की FD में डिफरेंस कितना आ रहा, दोनों की FD में डिफरेंस कितना आ रहा, 20 का, राइट। अगर मैं इसकी FD सक्सेसर वाले की FD क्या कर देता हूं 120, मतलब इसमें प्लस 20 कर देता हूं, तो इसकी और इसकी इन दोनों की मैट्रिक क्या हो जाएगी, कॉमन। और जैसे ही दोनों की मैट्रिक कॉमन होगी, ये दोनों ही टोपोलॉजी टेबल से कहां जाएंगे, राउटिंग टेबल में। तो अब आपको क्या काम करना है, सिंपल जो मैट्रिक का डिफरेंस था उसको आपको एड कर देना है। इसके लिए जो आप यूज करोगे वो किसका यूज करोगे, ऑफसेट लिस्ट की हेल्प लोगे। ऑफसेट लिस्ट की हेल्प से आप इस डिफरेंस को ऐड कर पाओगे, राइट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट लिस्ट में आपको एक ACL बनानी पड़ेगी। ACL बनाने के बाद फिर ऑफसेट लिस्ट में जाके सबसे पहला काम करना पड़ेगा, एक आप एक्सेस लिस्ट बना लोगे। एक्सेस लिस्ट सपोज आपने 10 बना ली एंड परमिट, वैसे मैं ये सारी चीजें आपको लैब में बताऊंगा, परमिट नेटवर्क आपका 192.168.10.0, राइट, इसके साथ वाइल्ड कार्ड मास्क भी आप दे दोगे, डन, ये आपका ACL बन गया। उसके बाद आपको राउटर पे जाना है और राउटर पे जाके राउटर EIGRP एंड जो भी AS नंबर आप रन करा रहे हो, इधर आपको लिखना है ऑफसेट लिस्ट, ACL नंबर देना पड़ेगा, ये 10 ACL नंबर है, 10 ACL नंबर आपने दे दिया, इन एंड आउट ये देखना है कि क्या करना है, इन हो रहा है तो इन करना, क्योंकि इधर से आएगा तो इन होगा, इन करना है, इंटरफेस कौन सा है, किस इंटरफेस पे आप इंक्रीज कर रहे हो, तो आप सक्सेसर के लिए ऐड कर रहे हो ना, राइट, तो सक्सेसर वाला इंटरफेस कौन सा है, ये वाला है FS0/0, तो उस पर इंफॉर्मेशन दे दो, इंटरफेस FS0/0, सिंपल, राइट। अब जो आपका सॉरी इसके बाद में आपको इनके बाद जो डिफरेंस है वो डिफरेंस देना पड़ेगा, राइट, डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है तो 20 दे देना पड़ेगा, डिफरेंस आपका कितना है 20, तो यहां पे आपने 20 कर दिया और इसके बाद आगे जाके आपने इंटरफेस का नेम दे दिया 0/0, ओके। इस कमांड के थ्रू आप क्या करेंगे, आपका जो FD है वो इक्वल हो जाएगा। जब दोनों ही पाथ का FD इक्वल हो जाएगा तो जो ये R2 जो सेकंड वाला पाथ फिजिबल सक्सेसर था, ये भी आपका राउटिंग टेबल में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर पाओगे, ओके। इन दोनों टॉपिक को मैं लैब में कंप्लीट करा दूंगा, वैसे डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, राइट। बाकी फिजिबल कंडीशन की बात प्रीवियस वीडियो में भी की थी, अभी भी मैंने आपको फिजिबल कंडीशन किस तरीके से मैच होगी, मीन्स सक्सेसर की FD से अदर जो पॉसिबल पाथ है उसकी AD कम होनी चाहिए, ओके, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना।